चौरी चौरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जगदैया में दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ उसके रिश्तेदार के ताऊ द्वारा घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि पीड़िता बाएं हाथ से विकलांग है। मेरी जानकारी के अनुसार बुद्धि चंद्र पुत्र स्वामीनाथ जो लड़की का पारिवारिक ताऊ रिश्ते में है, उसने लड़की को घर में अकेले पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। चौरी चौरा थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। चौरी चौरा पुलिस ने 376/506 फास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी बुद्धि चंद को हिरासत में ले लिया है। घटना के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवान ने बताया, थाना चौरी चौरा के अंतर्गत एक बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ उसी के रिश्ते के जो उसके ताऊ लगते हैं उनके द्वारा रेप किया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए FIR पंजीकृत की गई और इसमें जो अभियुक्त है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जो छात्रा जो लड़की है उसका मेडिकल कराया जा चुका है और उसका जो अन्य विधिक कार्रवाई है जो 164 के बयान वगैरह वो कराए जा रहे हैं। जी सर, मामला किस तरह आया संज्ञान में? जो लड़की है उसकी जो माँ है, एक शादी अटेंड करने गई थी और जो लड़की थी वो घर में अकेली थी, इसी बीच उसका जो रिश्ते का जो ताऊ जो लगते हैं वो उसके द्वारा जो रेप किया गया और जब जो लड़की है उसकी माँ घर वापस आई तो उसके द्वारा उसको बताया गया और उसके बाद जाके जब पुलिस को जो माता के द्वारा पुलिस को ये तहरीर दी गई तो पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत करके और तत्काल कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया गया।